ये देखिए हम बना रहे हैं चूल्हे पे आज खाना, देख सकते हैं आप लोग। मैं बनाने जा रही हूँ दाल जो है उड़द चने की। हाँ, सर्दियों में एक दो बार तो मैं चूल्हे पे खाना जो है बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक्चुअल ना लाइट नहीं आ रही है, तो बाहर की जो लाइट है ना बालकनी की, वो लाइट से ही कनेक्ट है, इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे अंधेरा मिल रहा है। अभी लाइट आ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देख सकते हैं अभी तो मैंने ना सिर्फ प्याज वगैरह, प्याज लहसुन वगैरह डाल के अभी सिर्फ तड़का लगाया है, जिसमें मेरे मैंने ये जो दाल है ये देखिए ये भिगो के रखी थी, ये हम डालेंगे अभी। थोड़ा सा तड़का हमारा हो जाए और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा दाल का मसाला। दाल का मसाला डाल दिया थोड़ा सा, क्या करें भैया, शहर में रह के थोड़ा सा गांव वाला फील ले लेते हैं चूल्हे पे खाना बनाना। जैसे कि चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं वापस। कि लाइट भी आ चुकी है और जो हमारी दाल है वो देख सकते हैं, आपको धुएं के मारे तो दिख भी नहीं रहा होगा, ये देखिए बन रही है, लकड़ियाँ जल रही हैं, अब रोशनी में ढंग से दिख रहा होगा। तो जी कल की वीडियो का मैं बोल रही थी मार्केट जाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट क्या मैं काम से चली गई थी तो मैंने ना कुछ भी वहाँ का शूट ही नहीं किया, क्योंकि काम में दिमाग था, जो काम करना था वो चल रहा था माइंड में, तो 3-4 घंटे हमें ज़रूर लग गए थे, लेकिन मैंने 1 मिनट की भी वीडियो शूट नहीं की, वही काम के चलते, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बता नहीं सकती इस वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज़, मॉर्निंग हो चुकी है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और न्यू वीडियो का स्टार्ट तो खैर मैंने नाइट में ही कर दिया था, नाइट में मैंने चूल्हे पर खाना बनाया है, तो सब कुछ तो नहीं दिखाया, बस एक दो क्लिप ले लिया है 1-2 मिनट की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में किस किस का मन करता है चूल्हे का खाना खाने का, क्योंकि मेरा तो बहुत मन करता है, और मुझे हालांकि थक जाते हैं उस पर खाना बनाने में, लेकिन ना बस मज़ा आता है उस पर बनाने में, मज़ा भी आता है और टेस्ट भी अलग होता है, और मेरे को शौक़ भी है उस पर, मतलब कभी कभी करने का इस वजह से, हालांकि मैंने कभी किया नहीं था, बट अब जैसे करते हैं ना, तो ऐसा कुछ मतलब इतना टिपिकल नहीं है कि चूल्हे पर खाना आप भाई हाथ से नहीं बना सकते, जैसे रोटियाँ तो आप बेल करके बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बस मेरा मन था तो मैंने कल दाल रोटी जो भी बनाना था वो सब उस पर बनाया, और जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो को कंटिन्यू कर लिया जाए, और जो है आज देखते हैं पूरे दिन में आप लोगों के साथ क्या क्या रूटीन शेयर करेंगे, जो भी करेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग मतलब कि नई, आगे आपको न्यू वीडियोज़ मिलने वाले हैं, तो अभी तो खैर देखिए घर के ही मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आगे की लाइफ देखनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं अपने आगे के रूटीन के साथ। अभी मैं पहले सोचती थी मैं बिना नहाए वीडियो नहीं बनाऊँगी, इस चालू नहीं करूँगी, बट अभी मैंने कहा नहीं, अगर मैं ये सोचती हूँ तो फिर मेरी वीडियो नहीं बन पाती है, ठीक है। तो वो मैं बनाऊँगी जो भी है जैसा भी आपके सामने है, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें तो है नहीं, ये तो रियल लाइफ है ना, जो होता है वही सब आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं, जो भी करेंगे उसके साथ नहाने धोने के बाद, क्योंकि अब बस नहाना धोना रह गया, तो उसके बाद मिलते हैं। तो जी मैं नहा के आ चुकी हूँ, ठीक है, और काम वाम तो सब हो ही चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ना हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि वो दोपहर में शायद मतलब लेट आएंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, तो फिर मैं अपने लिए ना कल मैं ना सामान लेके आई हूँ ग्रोसरी का, तो मैं अपने लिए सोच रही हूँ ये बना लेती हूँ, हक्का नूडल्स, हक्का नूडल्स बना लेते हैं, हक्का नूडल्स बना लेती हूँ, तो मेरा इससे हो जाएगा, है ना, और सही भी रहेगा, तो मैं ये बनाऊँगी और खाऊँगी।
पहले इसको बॉईल करने रख देते हैं, इसमें हो जाएगा बॉईल। तो इस भगोनी में बॉईल करने रख देते हैं, ठीक है। आप देख ही सकते हैं मैं आप लोगों के साथ जो है रेसिपी, तो क्या बस ये है कि मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूं कि मैं किस तरह से बनाती हूं। वैसे एक दो बार पहले भी मैं मतलब जो है चाउमीन की रेसिपी ही मैं पूरी शेयर कर चुकी हूं, तो आप चाहें तो डिटेल में वहाँ पर देख सकते हैं, और वैसे तो ये भी डिटेल में ही है, लेकिन क्या क्या चीज़ डाली है अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो ठीक है। बाकी मसाले में मैं बता देती हूँ कि मसाले मैंने चाउमीन का मसाला डाला है, वो ऐसे मतलब कुछ और मसाला नहीं है, आप लोग ये सोचिएगा वो चाउमीन का मसाला ही है था, जो कि ना एक नाम से आता है फ्रूट चाट मसाले के नाम से, एक चाट मसाला आता है वो नहीं होता, चाउमीन का मसाला अलग होता है, वही है ये फ्रूट चाट मसाला भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चाउमीन का मसाला अलग से भी आता है, तो इस तरह से मैंने वही डाला है और बहुत अच्छा टेस्ट आया था उससे और बहुत अच्छी चाउमीन बनी थी। अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो आप लोगों को देखिए पता ही होगा, नहीं बनाते ना तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से, ठीक है। आगे चलिए देख लीजिए। मेरी चाउमीन जो है वो बन चुकी है, नूडल्स हक्का नूडल्स जो लाई थी मैं, ये देखिए अब मैं ये खाऊंगी और बस आज का लंच यही है, क्योंकि सुबह आज ब्रेकफास्ट में मैंने सब्जी पराठा खाया है, अब ब्रेकफास्ट बनाया करूंगी, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट नहीं करूँ ना तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दिया है और नाश्ता वास्ता करना शुरू कर दिया है,
अब सुबह नाश्ते में कुछ भी खा लो, उसके बाद दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी जो खाना है वो बनाओ और खाओ, तो बस यही है। और आज ये नहीं आ रहे हैं तो फिर मैंने चावल बना ली, थोड़ी सी रख दी है, लेट आएंगे तो थोड़ी सी खा लेंगे, तो गर्म करके मैं दे दूँगी। तो बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।